सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। किसान आंदोलन के 7 माह पूरा होने पर भाकपा माले ने मनाया कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस। कहा 3 काले कृषि कानून वापस लेकर MSP कानून लागू करे मोदी सरकार। किसान आंदोलन के 7 माह पूरा होने पर आज भाकपा माले ने कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप मनाते हुए मोदी सरकार से तत्काल किसान विरोधी 3 काले कृषि कानून को वापस लेने तथा किसानों के हक में MSP कानून लागू करने की मांग की। संयुक्त किसान आंदोलन मोर्चा के आह्वान पर देश भर में आयोजित आज के कार्यक्रम के तहत आज बराकर गिरिडीह में माले कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में नारे लगाए तथा देश के मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए थोपे गए अघोषित इमरजेंसी का भी विरोध किया। अपने संबोधन में पार्टी के नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा तथा पप्पू खान ने कहा कि वर्ष 1975 में तत्कालीन हुकूमत ने भी देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनते हुए इमरजेंसी थोप दी थी, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह इमरजेंसी के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए और सरकार को जनता की ताकत के सामने झुकना पड़ा था। कहा आज की परिस्थिति भी अभूतपूर्व है, मोदी सरकार ने बिना घोषणा किए ही इमरजेंसी जैसी हालात पैदा कर दी है। मजदूर किसानों के अधिकारों पर सीधा हमला करने के साथ साथ सरकार उनके हक में बोलने की आज़ादी पर भी कुठाराघात कर रही है, लेकिन सरकार किसी मुगलाते में नहीं रहे। जनता की ताकत से कोई बड़ी ताकत नहीं होती है। सरकार को न सिर्फ किसान विरोधी कानून वापस लेने होंगे बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने की उसकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। सरकार को 3 काले कृषि कानून वापस लेकर किसानों के हक में कानून लाना होगा। काले कानूनों की वापसी तक किसान आंदोलन चलता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में बढ़ती महंगाई वाले कृषि कानूनों तथा जन अधिकारों पर हमले के खिलाफ PM नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य रूप से बाबूलाल मंडल, इस्लाम अंसारी, भागीरथ राय, हरि राय, मनोज मुर्मू, बबलू दास, संजय राय, कल्लू अंसारी, मंजूर अंसारी, सलीम अंसारी, टिंकू कुमार, बालेश्वर राय, महादेव राय, असार अंसारी, सिराज अंसारी, असार अंसारी इत्यादि लोग मौजूद थे। सुनैना कुमारी के साथ रिंकू कुमार की रिपोर्ट। आज भाकपा माले के नेतृत्व में गिरिडीह सदर प्रखंड के अंतर्गत बंदरगुप्पी बराकर गाँव में ग्रामीणों को एकजुट कर हम लोगों ने महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला फूंका और हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि अच्छे दिनों का सब्ज बाग दिखाकर ये सत्ता में आई थी कि महंगाई हम कम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करेंगे, लेकिन आज पूरा देश देख रहा है कि इनके 7 साल करीबन के कार्यकाल होते हुए आज जनता के पास 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, रोजगार भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों का रोजगार छीन गया है। अंग्रेज कंपनी राज को लाया करते थे, ठीक उसी प्रकार से मोदी सरकार वो सारा चीज आप देख लीजिए, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो वहाँ पे कंपनी राज हो गया है, चाहे बिजली के मामले में हो वहाँ कंपनी राज हो गया। उसी को लेकर ये किसान जो है विरोध कर रहे हैं कि अनाज में भी किसान में भी वो जाके कंपनी राज ना लिया। देखिए पेट्रोल के दामों में ये कंपनी राज है, आप सरसों तेल लेते हैं कंपनी राज है, पूरा डिटेल्स में अगर पढ़ेंगे तो इसका विरोध हो रहा है और कंटिन्यू होता रहेगा। तो जो उतार चढ़ाव है, जिस प्रकार से कंपनी लगातार सरकार को अपने हाथ पे एकदम कठपुतली के जैसा नचाती है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि मोदी सरकार जो है। हम आज के आंदोलन से यह मांग कर रहे हैं और आह्वान भी कर रहे हैं कि जब तत्कालीन हुकूमत 1975 में जो आपातकाल लाया था वो जब नहीं चला तो आज जो अघोषित आपातकाल है इसको भी चलने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से देश के किसानों के अधिकार छीने गए हैं, जिस तरह से देश के मजदूरों के 44 तरह के श्रम कानूनों को निरस्त करके मजदूरों को निहत्था कर दिया गया है, उन्हें पूंजीपतियों और प्राइवेट कंपनियों के हवाले उनको शोषण करने के लिए छोड़ दिया गया है, ये नीति नहीं चलेगी। हम इसका पूरी तौर पर विरोध करते हैं और आज के दिन जो हम लोग आंदोलन का एक सांकेतिक आंदोलन किए हैं तो हम लोग मांग करते हैं सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि ये 3 काले कानून को
वापस करवाया जाए और किसानों के हक में जो है वो कानून लाया जाए। मजदूरों के खिलाफ जो लेबर कोड लाए गए हैं चार तरह के और 44 तरह के जो कानून खत्म किए गए हैं, उन कानूनों को फिर से बहाल किया जाए, बल्कि उसमें जो कमी थी उसको और भी सुदृढ़ किया जाए, ताकि देश के मेहनत करने वाले मजदूर और किसान उनका हक सुरक्षित हो, देश में छोटे मोटे काम करके जो अपना जीविकोपार्जन करते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा हो। इसी मांग के साथ आज का ये यहाँ कार्यक्रम भाकपा माले की ओर से मनाया गया। हम इसमें शामिल होने वाले तमाम साथियों को तहे दिल से